फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैक मधुकर। फ्रेंड्स लेकर आ गया हूं फिर से आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो। और दोस्तों वन प्लस इलेवन फोर चैन को दोस्तों चाइना में लॉन्च होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों इस बार कंपनी ने सिर्फ गेमिंग की ऑडियंस को दोस्तों टारगेट किया है, इस बार दोस्तों इसमें आपको कैमरा भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा एंड गेमिंग तो ऑलमोस्ट दोस्तों आप बेटर कर ही पाएंगे। तो वीडियो को करते हैं फ्रेंड्स स्टार्ट। और चैनल पर दोस्तों अगर आप पहली बार आए तो चैनल को दोस्तों आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। गाइस इसके बिल्ड एंड डिजाइन की अगर बात करें तो दोस्तों बैक में आपको दो तरीके की सरफेस देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट दोस्तों ग्लोसी फिनिश के साथ ही आपको देखने के लिए मिलेगा एंड सेकंड दोस्तों इजी ग्लास कोटिंग के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि देखने में दोस्तों बहुत ही बेटर एक तरीके से लुक्स प्रोवाइड करा रहे हैं। और साइड का दोस्तों जो आपको फ्रेम देखने के लिए मिलेगा ये दोस्तों आपको एल्युमिनियम के साथ देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ-साथ इसमें आपको 6.7 इंचेस का एक फ्लैगशिप लेवल का दोस्तों 2K दोस्तों डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। ये क्या LTPS यानी लो टेंपरेचर पॉलीऑक्साइड के साथ दोस्तों ये आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। इसका दोस्तों मतलब ये है कि 2K रेजोल्यूशन तो दोस्तों आपको देखने के लिए मिल ही रहा है और ये जो LTPS है ये क्या 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक ऑटोमेटिकली दोस्तों ये रिफ्रेश रेट को क्या है स्विच कर लेगा। आप चाइना में आपने देखा होगा कि जो गेमिंग चलती है दोस्तों 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर मिल जाती है दोस्तों, लेकिन इंडिया के अंदर दोस्तों ओनली 90 हर्ट्ज को ही सपोर्ट करता है। तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी दोस्तों कंटेंट किसी भी तरीके का दोस्तों यूज कर रहे हैं तो 1 हर्ट्ज से लेके दोस्तों 120 हर्ट्ज तक इसका रिफ्रेश रेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों 1300 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस के साथ इसकी डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। तो आउटडोर कंडीशन में दोस्तों ब्राइट लेवल भी आपको काफी इसका बेटर देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस इसी के साथ साथ जो इसमें आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का दोस्तों प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। अब ये दोस्तों प्रोसेसर ये TSMC के द्वारा बनाया गया, यानी कि हीट एक तरीके से ये जनरेट ज्यादा नहीं करेगा और ये 4 नैनोमीटर की दोस्तों टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है। तो बैटरी इफिशियंट एक तरीके से ये प्रोसेसर है, बैटरी को काफी अच्छे तरीके से कंज्यूम होने से ये बचा लेगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसके GPU की अगर बात करें तो Adreno 740 के साथ ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ग्राफिक्स एक तरीके से काफी आपको बेटर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ LPDDR5X का इसमें आपको RAM देखने के लिए मिलेगा UFS 4.0 के साथ। इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे, 12 GB RAM 256 GB इंटरनल एंड 16 GB RAM 256 GB इंटरनल एंड 16 GB RAM 512 GB इंटरनल मेमोरी के साथ आपको दोस्तों 3 वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे। और गाइस वहीं अब हम बात करेंगे इसके कैमरे सेटअप की। तो गाइस बैक में इसमें आपको फ्लैगशिप लेवल का कैमरा देखने के लिए मिलेगा एज अ ब्लेड की दोस्तों ब्रांडिंग के साथ। रियर कैमरा दोस्तों 50 मेगापिक्सल सोनी IMX890 के साथ दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। ये फ्लैगशिप कैटेगरी का सेंसर है, लो लाइट कंडीशन में दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेंसर वर्क करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों सेकंड कैमरा देखने के लिए मिलेगा 48 मेगापिक्सल सोनी IMX581 सेंसर के साथ देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ साथ थर्ड कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल टेलीस्कोपिक लेंस के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक तरीके काफी अच्छी जूम आपको प्रोवाइड करा देगा। इसी के साथ साथ दोस्तों फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलेगा। और गाइस इसी के साथ साथ इसमें आपको 5000 mAh की दोस्तों पावरफुल बैटरी देखने के लिए मिलेगी डुअल सेल टेक्नोलॉजी के साथ। दोस्तों कंपनी डुअल सेल टेक्नोलॉजी इसलिए यूज करती है क्योंकि आजकल के जो फोन है दोस्तों काफी ज्यादा एक तरीके से हाई चार्जिंग को दोस्तों सपोर्ट करते हैं। तो इस फोन के अंदर भी दोस्तों आपको 100 वाट की दोस्तों बूक चार्जिंग के साथ ये डिवाइस देखने के लिए मिल जाता है। अब कंपनी क्या करती है 5000 mAh बैटरी को क्या दो भागों में डिवाइड कर देती है, 2500 mAh एंड 2500 mAh। और जो पावर दोस्तों जो ट्रांसफर करवाती है वो दोस्तों 50 वॉट एंड 50 वॉट, जिससे कि क्या बैटरी की लाइफ एक तरीके से काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। तो बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो दोस्तों दोनों ही इसमें आपको बेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों अब हम आ जाते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स पे। तो दोस्तों इस डिवाइस के अंदर आपको NFC का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, वही ब्लूटूथ 5.3 का दोस्तों इसमें आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। एंड्रॉइड एंड UI की बात करें तो दोस्तों कलर OS 13 के साथ दोस्तों ये चाइना में दोस्तों लॉन्च हो रहा है, बाकी इंडिया में होगा तो देखेंगे दोस्तों किस पर लॉन्च होगा। इसी के साथ साथ एंड्रॉइड दोस्तों इसमें आपको 13 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये थे गाइस पूरे के पूरे फीचर। कैसा लगा ये दोस्तों आपको वीडियो दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।